इसके अलावा मैं यूट्यूबर हूँ, फैमिली पहले मैं सोचता था एक मीडिया वालों के साथ शेयर कर रहा हूँ, पहले मैं बात करता था 6.5 लाख फॉलोअर है तो मैं उनको कहता था मेरी जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली वो 6.5 लाख की है। कल मुझे पता लगा मेरी फैमिली कितनी बड़ी है, पूरा पठानकोट मेरी फैमिली है भाई। हर एक बंदे ने जिसको मैं जानता हूँ जिसको मैं नहीं जानता हूँ, हर घर में मेरे बच्चे के लिए प्रेयर हो रही थी, हर घर में दुआएं हो रही थी, सब कह रहे थे भाजी बादल भैया आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपका बच्चा 100% ठीक ठाक वापस आएगा, हम सब प्रेयर कर रहे हैं। और भाजी वही जो पुलिस के ग्रेट एफर्ट्स थे, जो ऑफकोर्स आपके जो दिशा निर्देश रहे होंगे उनके जो थे, चाहे वो पंजाब पुलिस थी चाहे वो हिमाचल पुलिस थी, सबका इतना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन, किसी एक का तो हम किसी एक का तो बोलेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा, लेकिन लेकिन लोअर रैंक हो चाहे टॉप रैंक हो हमारे लिए सब हीरो हैं, सब ने अपना 100% अपना 100% से भी ऊपर दिया। इतनी जल्दी बच्चा बिल्कुल फिट फाइंड ट्रेस करके दे दिया, पंजाब पुलिस का, हिमाचल पुलिस का, हमारे यहाँ की मैनेजमेंट का, आप सब परिवार वालों का, फैमिली का, पठानकोट परिवार सभी, पैन इंडिया से फोन आ रहे थे मुझे कि बादल भाई टेंशन मत लो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। सोशल मीडिया पे जितने दोस्तों ने भी ये शेयर किया वीडियो, जिनकी वजह से हम लोगों ने ट्रेस कर पाए, वो दोस्त जिन्होंने पुलिस वालों को इनपुट दिया कि यहाँ पे आगे जाके वो वहां छुपे हो सकते हैं, मैं नहीं जानता उनका, लेकिन हाथ जोड़ के उन सबका धन्यवाद। अब मैं ये पूरी जिंदगी में कर्ज नहीं निभा उतार सकता। नहीं सर मेरे कोई ऐसे कोई नॉलेज में नहीं, बट टारगेट आपको ही तो क्या पुराना कोई लेन देन का नहीं सर, मैं सर सिंपल सी लाइफ जीने वाले बंदे हैं, मतलब अपना किसी के साथ कोई बहसबाजी बिजनेस में भी किसी तरह की पहुंचे है। और सर की कहना है, देखो सब तो पहले तो शुक्रिया कुदरत दा, जिन्हां दी मैं समझदा भी एक पार कृपा रही इस परिवार दे उत्ते, और बहुत ही मतलब मैं कह सकदा भी शौक करन वाली घटना। कल साडा छोटा बच्चा, फुल्लां वर्गा बच्चा जिन्हें अज अपने जीवन च बुलंदियां नूं छूणा, वो इस परिवार दे विचों किडनैप कर लिया गया सीगा। मिस्टर भंडारी जिन्हां दा वो बेटा फस्ट क्लास दा स्टूडेंट है, और कल जिहड़े ओह किडनैपर सीगे उन्हां ने इस बच्चे नूं बिल्कुल घर दे बाहर ही गली चों किडनैप किया। और विशेष तौर पर मैं उस बच्ची का, इस माहिर की वड्डी जिहड़ी सिस्टर है, जिस तरह उस कुड़ी ने दलेरी दिखाई है, उन्हां दे पिछे भज्जी आ, रौला पाया, उन्हां दी गड्डी नूं हत्थ पाया, मैं समझदा भी बहुत प्रेरणा वाली गल भी है सारे समाज लई भी, तो खास करके बच्चों लिए किवें उहदा उहदे कलेजे नूं अग लगी जदों उहदे भरा नूं किडनैप किया, और कुड़ी की हिम्मत की मैं दाद दिना। सो खुशी वाली गल ये है कि वो बच्चा बरामद कर लिया गया हिमाचल के नूरपुर एरिए, और मैं पंजाब पुलिस नूं भी विशेष करके पठानकोट की सारी पुलिस नूं एप्रीशिएट करदा कि उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के नाल इस सारे सीन नूं अंडर रख के अंदर रख के कोई इनू ज़्यादा चर्चा नहीं की थी। कि सोसायटी पैनिक ना होवे, डर ना बने, तो बहुत ही मैं समझा भी सिस्टमैटिकली उन्होंने अपना ऑपरेशन जिहड़ा है वो किया, और बच्चा बरामद होया। तुसीं देखिया बच्चा हुण आम नॉर्मल माहौल दे विच आ,
ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਣੀ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਓ ਲੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਐਨ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਦ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਹਤ ਸਨ ਕੱਲ੍ਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।